जय जगन्नाथ। मु पंडित गौरहरि महंत किछि नैतिक शिक्षा माध्यम रे आपन मानक निकट रे उपस्थापन करबा को चाहौछि। किछि नीति तथ्य जहा कि युगांतकारी अटे, सबु युग पय हा प्रजुज्य एवं अनीति दुर्नीति रे खूब मन बढ़ा जुवगोष्ठी यहाँ नित्य नैमित्तिक भाव हृदयंगम कले मु आशा करा चरित्र सुधार आसव। तेणु आपण मैने पुराण शास्त्र को धारावाहिक भाव शुणा को मोर विनम्र नवेदन। जेपरी म द्वयम् भ द्वयम् चैव ब्र त्रयम् व चतुष्टयम् अनाप लिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते, अर्थात अष्टादश पुराण व्यासदेव रचना करथिले। व्यास सरोवर कूड़े एक मनोज्ञ परिवेश मध्यरे रही से अष्टादश पुराण को रचना करथिले। एवं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, ये जो अष्टादश अठटी पुराण रचना करछन्ति व्यास संस्कृत रे, से मध्यरे केवल दुईटा ही से कहिछन्ति, दुईटा वचन ही अछि सेथरे। तार सारतत्व बुझिबा को गले आमे देखिबा व्यासस्य वचनं द्वयम्। कौन से द्वयम्? ना परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम्। प्रथमटी हला परर उपकार कले स्वर्ग प्राप्ति हुए, बा स्वर्ग प्राप्ति पाई परर उपकार अत्यंत आवश्यक। आउ परर अनिष्ट चिंता कले बा परर हानि कले पर को पीड़ा देले पाप हुए, पापर परिणाम हमको नरक भोगिबा को पड़े, चौराशी जोनि भोगिबा को हुए, मानव जन्म व्यर्थ हुई जाए। ए जो पुराण शास्त्र रो आलोचना भितरे मु प्रथम पर्याय रे आपण मानको गोटिए श्लोक रो महिमा अर्थ इत्यादि ज्ञापन करिबा को चाहूछि, जणाइबा को चाहूछि। देखु कौच धर्म कौन श्रूयता धर्म सर्वस्व श्रुवा चवधार्यता सन्धि कर लिखी श्रूयता धर्म सर्वस्व श्रुवा चवधार्यता आत्मन प्रतिकूला परेशान समाचरे। स्कंद पुराण जो कहती लिंग पुराण स्कंद पुराण आगुड़ी हूँ अत्यंत मूल्यवान सब पुराण अत्यंत गुंफित अत्यंत महारह होते स्कंद पुराण आम ओडिशा रे अत्यंत भाव आदृत। स्कंद पुराण माध्यम ही आम जगन्नाथ संस्कृति विशेष भाव प्रतिष्ठित अटे। से स्कंद पुराण में कहुई श्रूयता धर्म सर्वस्व श्रुवा चवधार्यता आत्मन प्रतिकूला परेशान समाचरित। ये कथा किए कहको कही जानते महाभारत कालीन कथा युधिष्ठिर आउ जक्षक मध्य वन पर्व गोटे कथा वर्णना करा महाभारत वन पर्व अज्ञातवास करुवा बेले द्रौपदी प्रार्थन युधिष्ठिर पठे तृषार्ता द्रौपदी को शांत करने भ्राता मान को पठे भ्राता मान समस्ते सेमती मरी पड़े जक्षर कूट कपटे पड़ी शेषे युधिष्ठिर जाए उद्धार करते जक्षर यथोचित प्रश्नोत्तर करते तारि भितर धर्म संपर्क युधिष्ठिर को एक कथा जक्ष पचार कहला जे धर्मर स्वभाव कौन। तेणु युधिष्ठिर कहते श्रूयता धर्म सर्वस्व
हे दक्षराज शुणतु धर्मर स्वरूप कौन तार सर्वस्व कौन एवं शुणीकरी श्रुत्वाच शुणी सारे अवधारण करतु अर्थात निजे कार्य लगातु अधर्मी हूँ ना धर्म को परिपालन करतु ये कथा युधिष्ठिर यक्ष को कहले आउ आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे निज प्रति जोटी प्रतिकूल भाव पोषण करे निज को जो व्यवहार टी भल लगे ना सेपरी व्यवहार को पर निकटे आचरण कर ना परेशान न समाचरे अर्थात पर उपरे सेपरी भाव बा सेपरी व्यवहार प्रयोग कर ना क्योंपरि भाव प्रयोग कर ना क्योंपरि व्यवहार कर ना ना जहाँ निजक भल लगे ना जो व्यवहार कले तुमको अत्यंत क्रोध आसे मनरे क्लिष्टता आसे मन कष्ट लगे सेपरी व्यवहार पर उपरे प्रयोग कर ना यह धर्म मन करतु आपण को किए गाड़ी कर गाड़ी करिबा परे निर्दोष व्यक्ति थाई मध्य गाड़ी करते बोले आप मन कष्ट होचे सेई कष्ट भावटा अनुभव करी आपण सेपरि कहारी को कष्ट दियंतु नाही कष्ट प्रयोग करंतु नाही कष्ट भावना आनंतु नाही पर उपरे एपरि व्यवहार करंतु नाही जहां निज को भल लगे नाही सेपरी व्यवहार पर को प्रयोग कर ना आत्मन प्रतिकूल आनी परेशान न समाचरे जहा हू आशा करुच्ची श्लोकटी आप्तवाणी टी नीतिवाणी टी आपण मान को खूब भल लगी आपजे कार्य व्यवहार करतु लगातु निज जीवन रे प्रयोग करतु जाओ धन्यवाद।